Assalamu alaikum students, hope you all are good. Today we are starting English grammar. Essay, the Eid festival, Eid ka tehwar. The Eid is a great Muslim festival. Eid musalmanon ka azim tehwar hai. It comes twice a year. ये साल में दो दफ़ा आता है. द मुस्लिम्स ऑन दिस डे गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. इस दिन मुसलमान सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं. दे टेक अ बाथ एंड देन पुट ऑन न्यू क्लोथ्स. वो गुस्ल करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं. आफ्टर दिस दे गो टू द ईदगाह टू ऑफर देयर प्रेयर्स. इसके बाद वो ईदगाह जाते हैं अपनी नमाज की अदायगी के लिए. आफ्टर दिस दे एम्ब्रेस वन अनदर. इसके बाद वो एक दूसरे से गले मिलते हैं. आफ्टर दैट दे टेक देयर मील एंड स्वीट डिशेस. इसके बाद वो अपना खाना खाते हैं और जो उनकी स्वीट डिशेस होती हैं वो खाते हैं. विच आर वेरी नाइस, जो कि बहुत अच्छे होते हैं. उनका जो खाना होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. चिल्ड्रन पुट ऑन न्यू एंड ब्यूटीफुल क्लोथ्स. बच्चे नए और ख़ूबसूरत कपड़े पहनते हैं. दे रिसीव ईद प्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी. वो ईद के तोहफे लेते हैं पैसों की सूरत में. फ्रॉम देयर एल्डर्स, अपने बड़ों से. एंड एंजॉय देमसेल्व्स, और फिर खुद से लुत्फंदोज होते हैं. नाउ स्टोरी, द डॉग एंड द बोन. द डॉग वंस हैड अ लार्ज बोन. एक डॉग के पास एक बार एक बहुत बड़ी हड्डी थी. ही वेंट अक्रॉस अ रिवर. वो दरिया के पार गया. ही looked down into the water and saw another dog. उसने नीचे पानी में झांका और एक और डॉग को देखा. The dog stopped to look the other dog. वो डॉग जो था वो रुक गया दूसरे वाले डॉग को देखने के लिए. Also carrying a bone in his mouth. जो कि दूसरा डॉग था उसके मुंह में भी एक अदद हड्डी मौजूद थी. His bone fell into the water. उसकी जो हड्डी थी वो पानी में गिर गई. With a splash. एक splash से यानी एक आवाज़ आई. जैसे आप पानी में कुछ भी फेंकते हैं तो एक splash होता है, उसमें एक आवाज़ आती है चीज़ के गिरने की. The dog fell into the water and struggled to shore. वो जो dog था वो भी जो है पानी में गिर गया और फिर वो मुश्किल से जो है साहिल तक पहुँचा. As he climbed out of water, जैसे ही वो पानी से बाहर आया, he realized, तो उसको इस बात का एहसास हुआ, how stupid he had, कि वो किस कदर बेवकूफ था. Moral, यानी नतीजा, greed is curse, लालच बुरी बला है. अब इस स्टोरी में क्या हुआ था, उस डॉग के पास एक हड्डी थी, उसने पानी में झांका तो उसको अपना ही अक्स नज़र आया. अक्स यानी उसने अपने आप को ही पानी में देखा. जब हम पानी में झांकते हैं तो हमें नज़र आता है पानी में अपना अक्स. अगर पानी साफ होगा तो हम देख सकते हैं. तो उसके मुँह में हड्डी थी, उसने पानी में झांका तो उसे पानी में जो डॉग देखा उसके मुँह में भी एक हड्डी थी. तो उसने वो हड्डी लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसने मुँह खोला तो उसकी अपनी हड्डी भी गिर गई. फिर जब उसने पकड़ने के लिए उस छलांग लगाई तो वो खुद भी पानी में गिर गया, उसकी हड्डी भी चली गई. उसने लालच की तो उसकी उसको सज़ा मिल गई. नाउ एप्लीकेशन, यानी दरख्वास्त. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर वन डे सिक लीव. प्रिंसिपल को आपने दरख्वास्त लिखनी है एक दिन की छुट्टी के लिए क्योंकि आप बीमार हैं. टू द हेडमिस्ट्रेस, हिना सेकेंडरी स्कूल, कराची. अच्छा जी, ये जो पैटर्न है ये आप लोग लिखना जानते हैं, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ. सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे टू. फिर आप एक पेन, आप पेंसिल से काम करेंगे एज़ यूजुअल, तो आप एक पेंसिल का डिस्टेंस छोड़िएगा या एक फिंगर का डिस्टेंस छोड़िएगा. उसके बाद आप लिखेंगे द हेड मिस्ट्रेस, हिना सेकेंडरी स्कूल, कराची. ये आपका पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट. उसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम. ठीक है, यहाँ पे आप कोई स्पेस नहीं देंगे. उसके बाद हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे. आई बैक टू से That I have been suffering from fever since last night.
गुजारिश अर्जी है कि मैं कल रात से बुखार में मुबतला हूँ, देयरफॉर जिसकी वजह से आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल नहीं आ सकती, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, बराए मेहरबानी मुझे एक दिन की छुट्टी इनायत कीजिए, थैंकिंग यू, आपकी शुक्रगुजार या आपका शुक्रिया अदा करते हुए, योर्स ओबीडियंटली, आपकी फरमा बरदार या आपका फरमा बरदार, एक्स वाई जेड क्लास 3, यहाँ पे आप अपनी क्लास मेंशन करेंगे। अब ये जो पैटर्न है ये आपने लिखना है राइट हैंड साइड, स्टार्टिंग में हमने पैटर्न लिखा था लेफ्ट हैंड साइड पे, अब आप लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। नाउ सिंगुलर प्लूरल्स, गर्ल गर्ल्स, रोड रोड्स, डिश डिशेस, फॉक्स फॉक्सेस, king kings, pencil pencils, foot feet, tooth teeth, bottle bottles, towel towels, copy copies, mango mangoes. Now masculine feminine, boy girl, nephew nice, king queen, man woman, uncle aunt, actor actress, lion lioness, sir madam, servant maid, father mother, lord lady, brother sister. Now words opposites, male female, noise silence, hot cold, thick thin, clean dirty, narrow wide, empty full, ugly beautiful, difficult easy, new old, up down early late. So students, ये तमाम काम आपने फुल स्केप पेजेस पे करना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है। थैंक यू।